हमारे 75 एक माननीय सदस्यों में वो भी माननीय सदस्य माननीय सदस्य मैं मानता हूँ, लेकिन इसके बाद क्या है? तो बंटवारा का समय आ गया है, ये लोग धीरे धीरे अपना सब अधिकार को बांट छांट के बराबर करेंगे। तो बीजेपी तो हर व्यक्ति जो भी व्यक्ति आता है ये राष्ट्र के प्रति समर्पण होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार के राजनीतिक दलों के अंदर अंतर कलह की खबरें सामने आ रही हैं इन दिनों, खास करके जेडीयू में, लोजपा में, आरजेडी में अंतर कलह की बातें। लेकिन आरजेडी में जो अंतर कलह की बात है, इस पर सत्ता पक्ष भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। आपको बता दें कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जब पार्टी कार्यालय नहीं पहुंचे, इसको लेकर लगातार बिहार के सियासत में भूचाल आया, लगातार बयानबाजी तेज हुई कि आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष हैं कहां, क्या तेज प्रताप यादव के कुछ बयान से वो खफा हैं, नाराज हैं। इसको लेकर तेज प्रताप यादव के बारे में जगदानंद सिंह ने एक बयान दे दिया। आज प्रदेश कार्यालय में, आरजेडी प्रदेश कार्यालय में जगदानंद सिंह पहुंचे, प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कह दिया कि कौन है तेज प्रताप यादव, हम सिर्फ पार्टी के सुप्रीमो यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रेसिडेंट लालू प्रसाद यादव को जानते हैं, हम तेज प्रताप यादव को नहीं जानते। तेज प्रताप, आई एम नॉट अकाउंटेबल टू तेज प्रताप, आई एम अकाउंटेबल टू लालू प्रसाद, ही तो माय प्रेसिडेंट। बात का ख्याल करो, तेज प्रताप आपको चाय पिलाता होगा, खिलाता पिलाता होगा, आप सवाल का सवाल किए जा रहे हो, वो ही जी हमारे 75 एक माननीय सदस्यों में वो भी माननीय सदस्य मैं मानता हूँ, लेकिन इसके बाद क्या है वो पार्टी में हमारे। और अब तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया भी इस पे आने वाली है, वो भी हम आपको बताएंगे। हालांकि तेज प्रताप अपने बोल के लिए जाने जाते हैं राजनीति में, लेकिन जब जगदानंद सिंह ने ये बयान दिया कौन है तेज प्रताप यादव, तो कहीं ना कहीं अब सत्ता पक्ष भी उस पे अपनी बयानबाजी तेज कर रहा है। और इसी कड़ी में बिहार सरकार के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने एक अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह एक सीनियर लीडर हैं, संगठन में बड़े नेता हैं, लेकिन अगर ऐसी तीमारदारी उनकी नहीं होती तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और साथ ही साथ उन्होंने तेज प्रताप यादव पर भी हमला बोला है। गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि आरजेडी में बंटवारे का समय आ चुका है, बंटवारा हो सकता है अब आरजेडी में, क्योंकि यही अब वक्त है जब बंटवारा होगा आरजेडी में। ये परिवारवाद की पार्टी है, ये राजनीति नहीं करती, ये परिवारवाद करता है। और ये चीज प्रमोद कुमार जो कि गन्ना मंत्री, उन्होंने कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रमोद कुमार, क्योंकि इसके बाद उन्होंने तेज प्रताप यादव को ऑफर भी दे दिया है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं आए, लेकिन डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि बीजेपी में अनुशासन ही सब कुछ है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रमोद कुमार गन्ना मंत्री, सुनिए। देखिए, ये क्षेत्रीय पार्टी है, पारिवारिक पार्टी है, तो परिवार में जब बंटवारा होता है तो देखते नहीं है, छीपा बटाता है, लोटा बटाता है, थाली बटाता है, घर कोठरी कोना कानी सब नाप के बटाता है। तो बंटवारा का समय आ गया है, ये लोग धीरे धीरे अपना सब अधिकार को बांट छांट के बराबर करेंगे। तो अगर जान का खतरा तो सरकार संरक्षण करेगी। स्वयं विधायक को 3 बॉडीगार्ड मिला हुआ, विधायक भी तो हैं, उनको 3 बॉडीगार्ड हर विधायक के पास है, और वो एक्स मिनिस्टर हैं, एगो एक्स्ट्रा है, प्राइवेट के साथ घूमबे करते हैं, तो उनको खतरा कहाँ से है? तो उनकी पार्टी का व्यक्तिगत मामला है, वो फिर बात नहीं। प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं, अभी तो ठीक है बोले हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष बुजुर्ग आदमी है, पुराने नेता हैं, कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुँचाए तो अपनी बात को बोलते हैं। आप फिर भी वह टिके हुए हैं, उनको तो सैल्यूट है जगता बाबू को। ये छोड़ेंगे तो क्या वैसे बात समझिए, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनकी व्यक्तिगत राय और उनकी व्यक्तिगत जीवनी पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। किसको? बीजेपी तो हर व्यक्ति जो भी व्यक्ति आता है ये राष्ट्र के प्रति समर्पण होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति त्याग होना चाहिए। और हम दिन चार रहे न रहे, माँ तेरा वैभव अमर रहे, माँ की भावना होना चाहिए, हर व्यक्ति का वेलकम है। करोड़ों बीजेपी के सदस्य बने, स्वयं अपने हाथ से मोबाइल पर नंबर दबाकर बने, किसी को बीजेपी थोड़े कहा कि आप आइए हमारा बन जाइए, लोग अपना मोबाइल से अपने अंगड़ी दबाकर मेंबर बना, सबको वेलकम किया बीजेपी। वो भी अगर मोबाइल पर अंगड़ी दबाकर मेंबर बनना चाहेंगे तो उसको हम थोड़े रोक देंगे, तो खुला ऑप्शन है। बीजेपी समुद्र है, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है,
तो बीजेपी को जो ऑप्शन खुला हुआ है, आज भी सदस्यता का ऑप्शन खुला हुआ है, मोबाइल पर वो नंबर दाबेंगे और उनको एक्सेप्ट करेगा। थोड़े कहा जाता है कि नहीं आप सदस्यता का नंबर दाबिएगा तो आपको रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये तो खुला घर है, जिसको जो आएगा उसका स्वागत है। तो बात समझ लीजिए, इस पार्टी में जो अनुशासन से मानेगा वो रहेगा, आज जो अनुशासन नहीं मानते हैं वो स्वतः अपने हट के चले जाते हैं। एक से एक इसका इतिहास है, एक से एक इसका इतिहास है। ये पार्टी जो है इसी भावना से बना ही हुआ है, अनुशासन के भावना से बना हुआ है, राष्ट्र के हित में बना हुआ है। एक से एक बड़ा कदावर लोग अनुशासन भंग किए चले गए।